गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। बड़ोदरा, सूरत, भरूच और आनंद जिले में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज की छुट्टी, ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई। सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की कई सड़कें बनी झील, जल जमाव को लेकर सड़कों को किया गया बंद। गुजरात के आणंद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी का बड़ा जलस्तर, कई इलाकों में घुसा नदी का पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद हर जगह पानी पानी, अंडरपास में पानी भरने से रास्ता बंद हुआ। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई में तेज बारिश के चलते अंधेरी सबवे में भरा पानी, फिलहाल यातायात के लिए बंद किया गया, राहगीरों को परेशानी। पुणे में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट, कलेक्टर ने सभी स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया। पुणे के कई इलाकों में सुबह से हो रही है बारिश, सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा। मुंबई से सटे लोनावला में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंची, पंचगंगा का जलस्तर 42.10 फीट पर पहुंचा। राजाराम बांध से 62,567 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोल्हापुर और सांगली में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। महाराष्ट्र के वर्धा में तेज हवा के साथ बारिश ने मचाई तबाही, फसलों को नुकसान, किसानों में छाई मायूसी। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, सड़कों पर पानी भरा। मुरादाबाद में लगातार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में भरा पानी, नाव के जरिए लोग कर रहे हैं जरूरत का काम। मनाली के अंजनी महादेव नाले में आई बाढ़, एक पावर प्रोजेक्ट और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा। तमिलनाडु के डुंडीगल में भारी बारिश और तेज हवाओं से मचा कहर, केले की खेती करने वाले किसानों को हुआ भारी नुकसान। संसद में बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे करने के आसार। बजट पर चर्चा के पहले दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा, कहा कि सबकी थाली वाली खाली, सिर्फ दो राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। बजट में भेदभाव करने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री, कहा कि हर स्टेट का नाम लेना संभव नहीं है, विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का तंज, कहा कि बजट सिर्फ दो लोगों को खुश करने के लिए बनाया। अभिषेक बैनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पलटवार किया, कहा कि बंगाल को 1300 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट दिया गया था लेकिन राज्य सरकार जमीन अलॉट ही नहीं कर सकी। बजट में रेलवे को मिले 2,62,200 करोड़ रुपए, रेलवे मिनिस्टर बोले पिछले 10 साल में रेलवे का विकास 60 सालों से ज्यादा हुआ है। बजट को लेकर भ्रम फैला रही है विपक्ष, बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव का बयान। दिल्ली में आज से बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक, पार्टी अध्यक्ष, संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए मंथन का दौर जारी, बुधवार को पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की मौजूदगी में बैठक हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिन का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना, मिलने का वक्त मांगा। सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र की योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली राशि होगी, फिलहाल पीएम से नहीं मिला है समय। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का बॉयकॉट किया, कहा कि केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि इन्होंने फिर साबित किया कि इनकी सोच और राजनीति देश से ऊपर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान जम्मू की शांति भंग करना चाहता है, आतंकवाद के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत। कर्नाटक में मूडा घोटाला पर बीजेपी विधायकों का विधानसभा और विधान परिषद में धरना, सीएम सिद्धरमैया पर जमीन आवंटन के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी के विधायक कंबल तकिया लेकर धरना देने विधानसभा पहुंचे, विधानसभा में ही विधायकों के खाने पीने का इंतजाम भी हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला विधायक पर दिए बयान पर विपक्ष हमलावर, सदन में आज भी विपक्ष के हंगामा करने के आसार, तेजस्वी रहेंगे सदन में मौजूद। सीएम नीतीश कुमार के तेवर पर विधायक रेखा देवी ने जताई हैरानी, कहा कि एक महिला के खिलाफ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया, लिखा कि ऐसा लगता है कि सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता, ध्याता, विख्याता और रचयिता तो आदरणीय श्री नीतीश जी ही बन चुके हैं। मुंबई से सटे ठाणे ने एक घर का प्लास्टर गिरा, हादसे में 2 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी, बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक कैदी और एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुए, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। अगरतला में रेलवे स्टेशन पर 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की मीटिंग, कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया, यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चर्चा हुई। सावन के महीने में अयोध्या में सोने चांदी के झूले में दर्शन दे रहे हैं भगवान राम और माता सीता, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। ओलंपिक 2024 से पहले भारतीय मुक्केबाजी दल पेरिस पहुंचा, बीएफआई ने एक्स पर किया पोस्ट, एवेंजर्स इकट्ठा हुए, हमारे मुक्केबाज पूरी तरह से तैयार, लिखा। नीता अंबानी को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा आईओसी का सदस्य चुना गया, नीता को 100% मत मिले।